चल रही हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी हमारे साथ आज जुड़ रही है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के एमडी सुनील डिसूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, गुड आफ्टरनून। ईटी नाउ स्वदेश पे बहुत बहुत धन्यवाद आज का हमसे बात करने के लिए। इनफैक्ट आपने डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर में क्लॉक की है, प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हुई, थोड़ा मार्जिन्स के ऊपर मैंने प्रेशर देखा, क्या वो दो तीन क्वार्टर्स में स्प्रेड है? आपने थोड़ी प्राइस हाइक्स ली होंगी शायद, जैसे दूसरे सेक्टर के पीयर्स ने भी ली, वो आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये नॉर्मलाइज होगा? इस इन तीनों ही फैक्टर्स के बारे में शेयर करें हमसे अपना व्यू। सो थैंक यू। सो एक तो इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स, हाँ, 11% टॉप लाइन ग्रोथ था, एबिटा ग्रोथ 4% था, लेकिन वन टाइम गेन की वजह से 36% टोटल ग्रुप नेट प्रॉफिट ग्रो किया। आप अगर हमारे बिजनेसेस को देखो तो हर एक जो बिजनेस है, वेदर इट इज इंडिया बेवरेजेस ऑलमोस्ट फ्लैट था -2%, इंडिया फूड्स +29%, इंटरनेशनल +7%, और इंडिया के जो हमारे ग्रोथ बिजनेस है, सोलफुल है, रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस है, टाटा संपन्न है, ये सब 50% ग्रोथ किया। सो द ग्रोथ वॉज वेरी स्ट्रांग। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि एबिट मार्जिन पर प्रेशर है, लेकिन उसको मैं दो हिस्से में स्प्लिट करूंगा। इंडिया बिजनेसेस जो हैं वो काफी स्ट्रांग विकेट पर है। इंडिया बिजनेसेस में एक्चुअली टॉप लाइन ग्रोथ 9% था और एबिटा ग्रोथ हुआ 25%। सो एंड इंडिया में पैकेज बेवरेजेस में ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट है, सॉल्ट हमने मार्जिन मेंटेन किया है। इंडिया ग्रोथ बिजनेसेस जो 50% ग्रो की, उसमें भी करीब 30 बेसिस पॉइंट्स, 300 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इंप्रूवमेंट है। प्रॉब्लम दो चीजों की है। इंडिया बेवरेजेस जो है, हमको थोड़ा वॉल्यूम प्रेशर दिख रहा है, दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ सेमी अर्बन, रूरल, नॉर्थ एटसेट्रा। लेकिन होपफुली जो मानसून्स विच हैव बीन नॉर्मल, और उसके साथ दिस इज द फर्स्ट फेस्टिवल सीजन जहां पर लॉकडाउन और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, होपफुली इसके बदौलत वो वॉल्यूम मोमेंटम वापस आएगा। बट द बिगर प्रेशर इज ऑन द इंटरनेशनल बिजनेस। हमारे जो यूएस, यूके, कनाडा के बिजनेस हैं, कनाडा ठीक है, यूके आपने सुना ही है, आजकल हर दिन न्यूज में रहता है, बेसिकली इन्फ्लेशन इज रियली रियली गोइंग स्ट्रांग, एंड पाउंड जो है वर्सेस डॉलर वर्सेस रुपी दोनों डिटेरियरेट हो रहा है। मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो केनिया से टी खरीदते हैं, मैं डॉलर में खरीदते हैं, पाउंड में बेचते हैं, और वो हम जो रिपोर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में रिपोर्ट करते हैं, जो पाउंड से रुपी कन्वर्ट करते हैं, तो वी आर हैविंग अ डबल वैमी आउट देयर। यूएस में जो है बेसिकली कॉफी कॉस्ट जो हैव गॉन अप वेरी शार्पली। We used to have hedging. Now, over a period of time, we have to make new hedges. So, us current, there is a short-term pressure. Abhi, dono markets mein, we are taking pricing. US mein already pricing ho chuka hai. UK mein announce kiya hai, lekin UK mein kareeb 3 mahine lagte hain. By the time we get into the pricing, into the trade, so it's going to take a bit of time. So, improvements, I would say right now for the next one quarter, I would say we will see continued pressure, and we've got to navigate that pressure. Q4 onwards, I'm keeping my fingers crossed that we should be coming back strongly. Sunil, मैं आपको congratulate करूँगा। वैसे House of Tata से और क्या expect किया जाए? इतनी ट्रांसपेरेंट तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं अपना क्वार्टर, कोई शुगर कोटेड नहीं है, जहाँ अच्छा किया वहाँ अच्छा किया दिख ही रहा है, और जहाँ चैलेंजेस हैं आप अपने हमारे व्यूअर्स और अपने शेयर होल्डर्स के लिए चैलेंजेस टेबल पर रख रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंसी बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं भी देख रहा था कि जी हाँ, आपने सॉल्ट में आपका जो बहुत बड़ा बिजनेस है आपका, वहाँ पर स्टडी है परफॉर्मेंस, कुछ नए बिजनेसेस, इनफैक्ट टी में तो ब्रांडेड टी में आपने वॉल्यूम मार्केट शेयर बढ़ाया है, आपको इन्फ्लेशन और करेंसी फ्लक्चुएशंस अपने कुछ एक्सपोर्ट बिजनेसेस की वजह से भी मार्जिन प्रेशर है, और टाटा स्टारबक्स और नरिश को जो आपके नए बिजनेसेस हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बट मैंने एक बात और देखी है, टाटा कंज्यूमर के ब्रांड्स देश भर में बहुत डीपली पेनिट्रेटेड हैं, सिर्फ अर्बन फिनोमिना नहीं है, टियर 2 टियर 3। इनफैक्ट मैंने कई बार आपको छोटे शहरों में एयरपोर्ट से एक फ्लाइट से दूसरे फ्लाइट भागते दौड़ते मैंने देखा है, तो यू हैव वेरी गुड पल्स ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। ये बात फैक्ट है कि इन्फ्लेशन से ग्रोसरी का बिल अब थोड़ा बढ़ गया है एक एवरेज इंडियन का। सो इन्फ्लेशन का जो
रियल इम्पैक्ट एक आम सिटीजन पे, एक घर चलाने वाली गृहिणी पे आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा ऑब्जर्व करके बताएं, क्योंकि मुझे पता है आप डीलर्स से बहुत ग्राउंड पे कनेक्टेड हैं। सो एक्चुअली आपकी बात सही है, यू नो हम लोग चाय और नमक बेचते हैं, तो व्हेन यू से चाय और नमक, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए ना। लेकिन सॉल्ट की बात मैं अगर ले लूं, बिटवीन लास्ट जुलाई और एंड दिस अगस्त हमने 33% प्राइस इंक्रीज लिया है। जो सॉल्ट 21 रुपया किलो बिकता था वो अभी 28 में बेच रहे हैं। अभी ये नहीं कि वी हैव इंक्रीज्ड आवर मार्जिन्स, आपने वही देखा कि मार्जिन्स आर फ्लैट एंड टू मेंटेन मार्जिन्स वी हैव टू टेक अप दोस प्राइसिंग। थोड़ा बहुत इफेक्ट था जो ब्राइन खरीदते हैं गुजरात में, लास्ट ईयर मानसून ज़्यादा हुए तो ब्राइन कम हुआ तो दाम बढ़ा, बट मोर देन दैट द इशू इज कि फ्रॉम ब्राइन से नमक बनाने के लिए वी यूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कोल। तो कोल जैसे तेल के दाम ज़्यादा हुए तो कोल के दाम ज़्यादा हुए, आफ्टर दैट इट इज फ्लैटेंड आउट। लेकिन अभी इम्पोर्ट करते हैं तो इम्पोर्ट रुपी टू डॉलर इज बिकमिंग द प्रॉब्लम, सो दैट विल कंटिन्यू। सो बट द गुड न्यूज इज आई थिंक सॉल्ट इन्फ्लेशन इज लार्जली अंडर कंट्रोल। टी द गुड पार्ट इज एक्चुअली आई एम गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। टी लॉकडाउन के समय पे जितना दाम बढ़ा था उससे कम हो रहे हैं, उससे ज़्यादा कम होनी चाहिए, लेकिन इस साल जून जुलाई में असम में फ्लड हुए थे, उस चक्कर में इट इज़ नॉट कमिंग डाउन, बट इट इज़ ओके। बट ओवरऑल व्हेन आई लुक अराउंड आई वुड से एनीवेयर फ्रॉम 12-20% डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ग्रोसरी बिल्स आर गोइंग अप। नाउ आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू फोरकास्ट कि ये कब कम होगा। Only thing I can say that right now I would say that it is broadly in a flat band in commodity spaces. The only wild card is the rupee to dollar, because jo hum log import ka sunflower oil import karte hain ya petroleum products import, aur petroleum agar change hota hai prices so it goes down, because whether it is packaging, whether it is transport, everything there is a knock off effect. Or whether you take palm oil, where again prices have started to go up. But overall, I would say the big mover right now will be currency. Other than that, you'll see commodity cost flattening. There is a 15-20% increase across different categories. Overall, grocery bills would have gone that high, but it would be a flattish trend unless the rupee starts changing direction dramatically. Thank you for talking to us today. And internals, how are you? अपने वेरियस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं और क्या फैक्टर्स एट प्ले हैं, हमसे शेयर करने के लिए आपकी टीम को और आपको हमारी तरफ से वेरी हैप्पी दिवाली। ये थे सुनील डिसूजा, अभी बता रहे थे कि कौन से फैक्टर्स एट प्ले हैं इस बार जो रिजल्ट आया और उनका पोर्टफोलियो। इनफैक्ट